आखिर इंडियन क्रिकेट में इंचार्ज कौन है? ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है जब मैं ये देख रहा हूँ कि शुक्रवार को चौथा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में शुरू हो रहा है रांची में, दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। आखिर कोई इंचार्ज है भी कि नहीं? मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट चलाने वाली बात है। कोई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है जो मैनेज कर सके ये सारी चीज़ों को? क्लियरली कोई नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। वरना आपके कड़ी निंदा करने के बावजूद, आपके चेतावनी देने के बावजूद, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स पूरे सीज़न में रणजी ट्रॉफी के सारे मुकाबले खेले नहीं, इंजरी का बहाना बनाते रहे। कुछ तो ऐसे भी थे जो ये उन्होंने कहा कि हम मेंटली टायर्ड हैं इसलिए हम ब्रेक लेना चाहते हैं, तो 1.5-2 महीने से ब्रेक चल रहा है उनका और वो कहीं और जाके ट्रेन कर रहे हैं सिवाय के क्रिकेट खेले। कुछ ऐसे भी हैं जो पीठ में दर्द का बहाना बना के मिस कर गए हैं रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल, जबकि कहना यह है NCA का, जो फाइनल अथॉरिटी है इंजुरीज पे, उनका कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आखिर सच कौन कह रहा है? इंडियन क्रिकेट में अगर आपको रेड बॉल क्रिकेट को प्रमुख दर्जा देना है, प्राइम पोजिशन देना है, तो आपको उस पर एक्शन भी तो लेना है। लास्ट लीग राउंड के ठीक पहले आपके तरफ से एक मेल जाता है कि नहीं, आप जो है मिस नहीं कर सकते, आपको सब मैच खेलना है। और उसका रिएक्शन क्या होता है? सभी खिलाड़ी जो मिस कर रहे हैं वो सब मिस कर रहे हैं फिर एक बार, तो आपके लेटर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसीलिए मेरे जहन में सवाल आया कि आखिर क्रिकेट चला कौन रहा है अगर क्रिकेट में किसी का कोई पकड़ नहीं है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है आपका एम्प्लॉई है, आप उनको ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बाहर के जो खिलाड़ी उनको कैसे करोगे? और ये सब चीज़ों में आपका जो लाल गेंद का फ्यूचर है वो क्या है? पूरे सीज़न में आपने देखा है कि सभी खिलाड़ी कभी ना कभी किसी ना किसी राउंड में मिस करते रहे। चलिए एक आध मैच चलेगा, काफ़ी तो ऐसे हैं जो मतलब एक साथ 3-4 मैच मिस कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं, और वो कुछ तो उनमें तो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। और इस सब के बीच में जब आप कह रहे हो कि रेड बॉल क्रिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके सबसे इम्पॉर्टेंट तेज गेंदबाज को आपने चौथे टेस्ट मैच से रेस्ट करा दिया, जबकि वो आपका बेस्ट गेंदबाज है। क्या वो 2 हफ्ते बाद रेस्ट नहीं करवा सकते थे आप उसको? 3 हफ्ते बाद रेस्ट नहीं करवा सकते थे? आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, अगर ये 3 हफ्ते बाद रेस्ट नहीं करवा सकते तो अब क्यों करवा रहे हो उनको? वर्कलोड मैनेजमेंट तब नहीं होगा, अभी होगा। आपने अपने तरफ से ही आपके खिलाड़ियों को बता दिया क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मत रोइएगा कि इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रहा है, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी तब तक जब तक आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि इंडियन क्रिकेट आखिर जा कहाँ रहा है। आपको अगर मेरी बात से सहमति है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए और भरपूर तरीके से इसको आगे बढ़ाइए।